जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सैम ताहिर है और आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज की वीडियो जो है वो स्पेसिफ़िकली बनाने का मकसद जो है वो ये था कि हम स्कॉलरशिप के जो स्टूडेंट्स आते हैं और उसके बाद जो स्टूडेंट्स स्पेसिफ़िकली यूरोपियन साइड पे जो है स्टडी के लिए जाना चाह रहे हैं, तो उनके इशूज़ को और उनके ऑप्शन को जो है वो डिस्कस करें और के बारे में जो है हम आपके साथ आज डिस्कशन करेंगे और उसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे और उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो भी तफसील से डिस्कस करेंगे। जी मेरे साथ कप्तान, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर प्लीज़ स्टूडेंट को बताएं कि क्या ऑप्शन है। जी सैम भाई, बहुत सारी इंक्वायरीज होती हैं स्टूडेंट्स की। ठीक है, कैसे है? ज़ाहिर बात है हर स्टूडेंट चाहता है कि मैं जो है ना मेरी कास्ट फ्री हो जाए, तो हम उनको गाइड करते हैं कि यार स्कॉलरशिप होते हैं तो उनकी क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, और बहुत सारे जो है उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के वो फैक्टर्स होते हैं जो हमने कंप्लीट करने होते हैं। सम टाइम आपको मार्क्स बहुत अच्छे चाहिए होते हैं, फिर आपको जीआरई जीमैट टेस्ट भी रिक्वायर्ड होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। फिर आपको कोई थीसिस वगैरह या कोई यूनिकनेस, कोई ना कोई रिक्वायरमेंट ऐसी होती है। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इन रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रहे। ठीक है, और उन स्टूडेंट को किस तरह जो है टैकल करना है, बिल्कुल ऐसे ही, या उनको ऑप्शन कौन सा दिया जाए, और वो जाना भी जा रहे हैं। फिर भी अगर उनके मार्क्स कम है, उन सैक्रिफाइस तो देना पड़ना है किसी न किसी हद तक। ठीक है ना, वो कुछ ऐसे ऑप्शन भी हैं जिसमें आपने 1 ईयर की फीस देनी है सारी की सारी। ठीक है, ठीक है, स्टूडेंट फीस पे कर ले, बजट जो है वो 20 लाख का है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, बिल्कुल। अब अगर हम इसमें एक और बात ऐड करें, हम जितनी भी डेस्टिनेशन या स्टूडेंट जितने भी जा रहे होते हैं वो एक फैक्टर को देख रहे तो अर्निंग कर रहे तो दूसरे फैक्टर को नहीं देख रहे, तो उसमें फीस कितनी जा रही है, 4 साल की फीस बैचलर्स की कितनी बनती है, वो 10 मिलियन तक भी जाती है 1 करोड़। ठीक है ना, तो वो विद पैसेज ऑफ टाइम होता है। ठीक है, अब इस बात को हम कंटिन्यू करते हैं कि अगर स्टूडेंट 20 लाख लगा दे, ठीक है, फिर उसके बाद उसका जो है क्या फ्यूचर है या क्या बेनिफिट है, वो साल की सारी फीस पे कर देगा, पहली दे के चला गया, उसको दूसरी सेमेस्टर की फीस देने की जरूरत ही नहीं। बेहतरीन है, बेहतरीन है, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, वो टेंशन ही नहीं है। 20 लाख उसकी साल की फीस है, बस उसने यही इन्वेस्ट करना है और उसने कुछ नहीं कहा। बिल्कुल ऐसे ही, फिर उसको सारी चीज़ें मिलती जाएंगी। बेहतरीन, ठीक है, ठीक है। अगर वो चाहेगी कि मैंने नेक्स्ट ईयर की फीस नहीं देनी, ना दे, हाँ, तो उसमें नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल है, बेहतरीन है। ठीक है, अगर वो चाहता है जी कि मुझे जॉब भी मिले, ले ले, जॉब भी मिल जाएगी, बेहतरीन है। ठीक है, अगर वो कहे कि मुझे 2 टाइम का खाना ही मिले, वो भी खाना एम्प्लॉय मिल जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, अगर वो कहेंगे मुझे साल में 1 मंथ की छुट्टी भी चाहिए, कर ले, तो भी पेड छुट्टी भी चाहिए, पेड छुट्टी भी चाहिए, तो वो पेड सैलरी भी मिलेगी और छुट्टी भी मिलेगी, बेहतरीन है। ठीक है, फिर वो बाद में कहेगी कि मैंने अब बहुत आला हाई रैंक की यूनिवर्सिटी में 1 साल गुजारना चाह रहा हूँ, होते हैं ना ऑप्शन कन्फर्म्ड, तो उसमें भी जा सकता है। ठीक है, ठीक है, फिर होना क्या है उसको, फिर वो आगे वहाँ पे जो है उस यूनिवर्सिटी के जो भी बेनिफिट्स हैं वो उसको मिलेंगे, लाइक इंटर्नशिप उधर भी मिल सकती है उसको, बेहतरीन है। ठीक है, अब यूके में वो जाना चाह रहे हैं या स्विट्जरलैंड में, बहुत सारे ऑप्शन हैं। ठीक है, स्पेन में भी हैं, इनके वो कह रहे हैं कोलैबोरेशन है, बिल्कुल यूनिवर्सिटीज की होती है, बिल्कुल वो होती है, वहाँ पे वो स्टूडेंट जाए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिल करें, बिल्कुल बेहतरीन, वो इतना टफ भी नहीं है। अब 3 साल अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको आयस में तो बैठ तो इतने रिक्वायर्ड है, वो ले ले, वो टफ नहीं, कोई है, मसला नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं है, वो हो जाते हैं सारी चीज़ें क्लियर। वहाँ पे पहुँचे, वहाँ पे पढ़े 1 साल, और जो उसकी जो इवन के जो फीस है उसमें भी जो है फीस देनी पड़ रही है, जो फोर्थ ईयर होगा, हाँ, उसकी फीस जो आप फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट जो है किसी और कंट्री में जा रहा है इंटर्नशिप के लिए, उसकी उसको फीस देनी पड़ेगी, और उसमें से आप क्या फरमा रहे हैं स्कॉलरशिप, उसमें भी स्कॉलरशिप मिल जाएगा, बेहतरीन सर ऑप्शन है, बेहतरीन 40% स्कॉलरशिप मिल जाएगा, ये बेहतरीन ऑप्शन है, 40-50% स्कॉलरशिप मिल सकता है, साल की जो फीस है उसका आधा लगा लें। ठीक है, ठीक है, और बेहतरीन है। और सर इसमें कोर्सेज, अगर हम कोर्सेज की बात करते हैं तो उसमें डिफरेंट कोर्सेज आ जाते हैं,
MBA कोर्सेज, हाँ MBA के कोर्सेज हैं, होटल मैनेजमेंट के हैं, डिफरेंट कोर्सेज जो हैं वो आ जाते हैं, आपका किसी भी फील्ड में जो है एडमिशन आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम अगली चीज़ जो है करते हैं, इसमें जॉब के चांसेस इस वजह से ज़्यादा होते हैं क्योंकि एक तो आप जॉबन मार्केट को टच कर रहे हैं, उसके बाद जो रिक्वायर्ड वहाँ पे फील्ड है अब उसके मुताबिक डिग्री हासिल कर रहे हैं, और उसके बाद वहाँ पे आपको एम्प्लॉयज जो हैं वहाँ पे जिस कंपनी में आप जॉब करते हैं या इंटर्नशिप करते हैं वही आपको हायर कर लेते हैं और आपके रोज़गार के जो है मसले मसाइल वो भी वहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाते हैं। इसमें एक और भी पॉइंट है, वो ये है कि जी अगर आपने 3 साल कहीं इन्वेस्ट किए ना उसको वो फ़ायदा दे रहे हैं आपको ना, वो जो कोर्स पढ़ रहे हैं ठीक है वो आपकी CV में एडअप होगा, एडअप होगा बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है वो चीज़ कुछ ना कुछ आपको देख के या उस कॉलेज की रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं जिसमें आप जा रहे हैं तो उसको एडअप आपकी CV में एडअप हो रहा है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है बिल्कुल ऐसे ही, जिसकी वजह से आपको वो जो है इतना कुछ जो है बेनिफिट्स दे रहे हैं, सही है। आपका जो है इंटर्नशिप पेड है, ठीक हो गया, फिर आपको वहाँ पे फुल टाइम वर्क जो है वो भी अलाउ आप कर सकते हैं, सेटल्ड हो सकते हैं, वो जो है 90% स्टूडेंट की ये रेशियो है, ठीक आप कहीं भी वहाँ पे मूव हो जाते हैं स्विट्जरलैंड UK जहाँ पे 90% आपको वहाँ पे वर्क मिलेगा, बेहतरीन है सर। तो ये बेनिफिट्स हैं स्टूडेंट्स के लिए, बेहतरीन सर। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में आप बताएं जी, बेहतरीन है सर। एलिजिबिलिटी अगर क्राइटेरिया की बात करते हैं तो मार्क्स आपके जो है FSC में जो है 50% होने चाहिए, ठीक है। आपका गैप जो है वो 4-5 साल का भी चल सकता है, नो मैटर, हाँ उसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, और लेकिन मार्क्स आपके 50% होने चाहिए जी 50% मार्क्स होंगे, हाँ जी। उसमें आपको आइट्स और विदाउट आइट्स जो है वो आपको ऑप्शंस, दोनों में आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए जो यूरोपियन साइड पे और स्कॉलरशिप पे मूव करना चाह रहे हैं। 5 बैंड रिक्वायर्ड है जस्ट, अच्छा 5.5 5 बैंड लेना तो मुश्किल नहीं है, हाँ कुछ भी मुश्किल नहीं है जी, 5 बैंड लेना जो है कोई मुश्किल काम नहीं, जस्ट बैचलर्स के लिए ये ऑप्शन है। और उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और डिस्कशन वाली वो ये है कि अब सब कोर्सेज में जो है वो स्कॉलरशिप अवेलेबल नहीं है, कुछ जो कोर्सेज होते हैं सिग्नेचर कोर्सेज होते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में, उस पर वो स्कॉलरशिप जो है प्रोवाइड करते हैं। अब उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो शेप साहब के पास है, वो हमारे NX कंसल्टेंट के पास है, हमारे काउंसलर्स के पास है, पास है, तो जब आप अपना प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियसली हम आपको जो है वो उसमें उसी में ही प्लेस करेंगे जिसमें स्कॉलरशिप के जो चांसेस हैं वो मैक्सिमम है, ठीक है। तो इस चीज़ को अपने प्रोफाइल के मुताबिक आपने चीज़ों को कंसीडर करना है और उसके मुताबिक ही हम आपका केस लेके चलेंगे। अगर आपकी फर्दर कोई क्वेरी है इस चीज़ को लेके, कोई आपको अपनी पर्सनल फाइल पे असेसमेंट चाहिए तो आपको मज़ीद ऑप्शंस भी मिल जाएंगे और आप हमारे कौंसल से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और हमारी प्रॉपर जो सीरीज स्टार्ट हुई है जिसमें हम डिफरेंट ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं, जिसमें हम स्कॉलरशिप्स को डिस्कस करते हैं, तो आप हमारा यूट्यूब चैनल जो है सब्सक्राइब कर लें, उसका बेनिफिट आपको होगा कि आपको लेटेस्ट अपडेट जो है वो मिलते रहेंगे जी। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।